देखिए, जब से टाइगर 3 का रिलीज हुआ है, वह बॉक्स ऑफिस पर कुछ बेहतरीन काम नहीं कर रहा है। शुक्रवार को फिल्म ने सिर्फ 5 करोड़ रुपए की कमाई की है, जो उम्मीदों के मुताबिक कम है। इससे ऐसा लग रहा है कि एनिमल की रिलीज से पहले ही इस फिल्म का बस्ता पैक होने वाला है। शायद यह कोई सरप्राइज नहीं हो, क्योंकि इस फिल्म की कमाई की रफ्तार इतनी धीमी हो गई है कि इसे देखकर लोगों को लग रहा है कि इसका विशेष सफलता अब मुश्किल हो सकता है। सलमान खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया है कि उनके करियर का लोएस्ट पॉइंट भी 99.9% के लिए हाईएस्ट है। इससे फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखकर यह बात साबित हो रही है। यहां तक कि फिल्म ने 13 दिनों में सिर्फ 258.67 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है, जो कि कुछ बड़े नामक फिल्म है। और सैम बहादुर की रिलीज से पहले ही बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा, और इसके लिए मनीष शर्मा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को 300 करोड़ क्लब में एंट्री प्राप्त करना भी मुश्किल हो सकता है। दूसरी ओर सलमान खान की भांजी अलीजह की डेब्यू फिल्म फर्रे और खुशाली कुमार की स्टारफिश भी ओपनिंग डे पर ही पस्त दिख रही हैं। बॉक्स ऑफिस पर आने वाले हफ्ते में 1 दिसंबर को रणबीर कपूर की एनिमल और विक्की कौशल की सैम बहादुर रिलीज हो रही हैं, जिनमें एनिमल को लेकर काफी क्रेज देखा जा रहा है। इस फिल्म के ट्रेलर ने शाहरुख की जवान के टोटल व्यूज को भी पीछे छोड़ दिया है। लगता है कि आने वाले हफ्ते सिनेमाघरों के अधिकांश स्क्रीनों पर एनिमल का राज होगा, और ऐसे में टाइगर 3 की कमाई में और गिरावट हो सकती है। टाइगर 3 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी धीमा हो रहा है, और इसमें ओमान और कतर में फिल्म को बैन के कारण झटका लगा है। 13 दिनों में फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 420.30 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया है। यह तो वास्तविक खबर है कि फिल्म की कमाई में और गिरावट हो सकती है। इस सब के बावजूद सलमान खान की टाइगर फ्रेंचाइज ने अपनी छाप बनाई है, और यह तबाही नहीं कही जा सकती है कि फिल्म ने 13वें दिनों में भी 5 करोड़ से कम की कमाई की है। हालांकि आने वाले वीकेंड में फिल्म की कमाई में वृद्धि की उम्मीद है, लेकिन यह जोर इतना नहीं लग रहा कि यह एनिमल के सामने टिक सके। आप भी बताएं, क्या आपने टाइगर 3 देखी है और कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि इसे एनिमल के सामने बोरिया बिस्तर समेटना होगा?